शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स सफेद हाथी बनती जा रही हैं। पर्यटकों के जरिए इन शाही ट्रेनों का मुनाफा बढ़ाने के बजाय रेलवे और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अपने चहेतों को मुफ्त घुमाने का माध्यम बन गई है। यह तथ्य सामने आए हैं कि शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के कोच 5 साल में कभी पूरे नहीं भरे। वहीं इन ट्रेनों में 60% तक सीटें खाली रही। इसके बावजूद रेलवे एवं आरटीडीसी ने मुफ्त यात्रा कराना बंद नहीं किया और 345 लोगों को मुफ्त में यात्रा करवा दी। यह संख्या रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के 5 साल में कमाए गए मुनाफे से 6 गुना तक है। यानी आरटीडीसी की कमाई 1.5 करोड़ ही थी और मुफ्त यात्रा 10 करोड़ से ज्यादा की करवा दी गई। वहीं रेलवे ने 242 अफसरों को मुफ्त में यात्रा करवाई और इसके बावजूद संचालन के नाम पर आरटीडीसी से 116 करोड़ रुपए वसूल लिए। ज्यादातर मुफ्त यात्राओं में अफसर नेताओं के साथ उनकी पत्नी या कोई ना कोई परिजन भी गया। हाल ही में संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट में शाही ट्रेनों में होने वाली अफसरों की मुफ्त यात्राओं पर सवाल उठाए गए थे और इसे बंद करने को कहा गया था। गौरतलब है कि रेलवे एवं आरटीडीसी के बीच अनुबंध में शाही ट्रेनों के प्रत्येक टूर पर दोनों दो दो कॉम्प्लीमेंट्री यात्रा करवा सकते हैं। रेलवे ने 5 साल में 242 लोगों को मुफ्त में सफर करवाया, लेकिन इसके बाद भी आरटीडीसी ने रेलवे को 116 करोड़ का भुगतान किया। खाली सीटों को लेकर तर्क दिया जाता है कि कई देशों की ओर से अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करने से पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ता है, इसके चलते सीटें खाली रह जाती हैं। उल्लेखनीय है कि किसी बीमारी के फैलने या कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने आदि के वक्त ही एडवाइजरी जारी की जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि पिछले 5 साल में कभी भी यह ट्रेन लाभ में क्यों नहीं रही। इसी साल 4 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा में पेश संसदीय कमेटी की टूरिज्म प्रमोशन रिपोर्ट में कहा गया था कि जब शाही ट्रेनों में आधी सीटें ही भर पाती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेवल के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है। कमेटी ने इन ट्रेनों में दी जाने वाली इस सुविधा को खत्म करने की सिफारिश भी की थी। देखना है कि इस सिफारिश पर कब तक अमल हो पाएगा।